हम सभी को पता है चाय या कॉफी पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक माना गया है, पर फिर भी हम चाय का सेवन करते ही है। चाय में भारी मात्रा में कैफीन होने के कारण जब हम चाय पीते हैं तो इसका सीधा असर हमारे शरीर और दिमाग पर होता है। कई लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय और कॉफी से होती है। अगर उन्हें चाय और कॉफी ना मिले तो उनका दिमाग काम नहीं कर पाता। देखा जाए तो उन्हें चाय की एक बुरी आदत बन चुकी है। कॉफी या चाय नहीं मिलने पर उनका सिर भारी होने लगता है, काम में मन नहीं लगता, आलस आने लगता है। चाय और कॉफी हमारे दिल, दिमाग, स्किन, चेहरे के लिए जरूरत से ज्यादा हानिकारक होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं है चाय या कॉफी पीने से क्या क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं, और कुछ लोगों को पता है चाय पीने से क्या क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं, पर फिर भी वह चाय या कॉफी रोजाना पीते हैं। कई लोग दिन भर में 5 से 7 कप चाय पीते हैं, और कई लोग तो चाय पीने को हानिकारक ही नहीं समझते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें चाय पीना सिखा दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं चाय या कॉफी पीने से शरीर को क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं और यह हमारे लिए कैसे जहर का काम करता है। जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो संभल जाइए, चाय आपके सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। कामकाजी लोग अक्सर ब्रेक लेते हैं ताकि चाय पी सके, लेकिन आप जानते हैं चाय का ज़्यादा सेवन आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। चाय में कैफीन होता है। एक कप चाय में आमतौर पर 20 से 60 मिलीग्राम के बीच कैफीन की मात्रा होती है। अगर आप दिन में 3 से 4 कप चाय पीते हैं तो आपकी बॉडी में कैफीन की अधिक मात्रा पहुंचेगी, जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। जानते हैं ज्यादा चाय पीने से सेहत पर कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। चाय दिल के सेहत के लिए नुकसानदायक है। चाय पीकर भले ही आपके दिलो दिमाग को ताजगी मिलती है, लेकिन यह दिल के सेहत के लिए बहुत खराब है। ज्यादा चाय पीने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है और दिल की बीमारियां भी होने की संभावना इससे बढ़ सकती है। ज्यादा मात्रा में चाय पीने से हमें हार्ट अटैक की समस्या भी आ सकती है, इसीलिए कम से कम चाय पीने की कोशिश करें, जिससे हमारे दिल की सेहत अच्छी रह पाए। चाय का असर हमारे आंतों पर भी होता है। चाय पीने से आंतें खराब हो सकती है, जिससे खाना पचने में दिक्कत होती है। एक रिसर्च के मुताबिक चाय आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को 60% तक कम कर देता है। सीने में जलन पैदा करती है चाय। एक दिन में 4 से 5 बार या फिर उससे ज्यादा चाय पीने से आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है। ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। ये आंतों में आम्ल के उत्पादन को बढ़ा देती है, जो सीने में जलन होने का कारण है। ज्यादा चाय के सेवन से नींद भी उड़ सकती है। नींद पूरी न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कॉफी या चाय का सबसे बुरा असर आपके स्किन पर भी हो सकता है। रोजाना चाय का सेवन करने से स्किन के अंदरूनी नमी को कम करता है, साथ में इससे स्किन डैमेज भी हो सकती है। स्किन ड्राई होना, फाइन लाइंस आना, झुर्रियों की समस्या, यह सभी समस्या केवल चाय या कॉफी से हो सकती है। सुबह खाली पेट पी गई चाय या कॉफी हमारे दिलो दिमाग के लिए और शरीर के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह एसिडिक होने की वजह से खाली पेट इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या और एसिडिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। चीनी मिलाकर चाय या कॉफी पीना सेहत के लिए बहुत घातक होता है। मतलब चाय या कॉफी में जब चीनी मिलाई जाती है तब इससे मिलने वाला बुरा असर 10 गुना बढ़ जाता है। चाय या कॉफी में कैफीन होने के वजह से यह हमारे शरीर का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ देता है, और इसीलिए उन लोगों में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इससे लोगों में स्ट्रेस और थकान महसूस होती है, और इसे दूर करने के लिए चाय या कॉफी की सहायता लेनी पड़ती है। इस कारण दिन में कई बार चाय या कॉफी पी जाती है और धीरे धीरे इसकी आदत हमें पड़ने लगती है। चाय या कॉफी हमारे सेहत के लिए इतने हानिकारक है, इसी कारण हमें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। आप चाय या कॉफी की जगह बिना चीनी वाला, या आपको अगर चीनी चाहिए है तो बहुत ही कम चीनी वाला दूध पी सकते हैं। साथ ही साथ गर्म पानी करके उसमें अदरक, तुलसी के पत्ते डालकर भी पानी उबालकर पी सकते हैं, या सिर्फ आप गर्म पानी बनाकर वह चाय की जगह पी सकते हैं। चाय और कॉफी पीने के वजह से इतने सारे नुकसान होने के कारण इसका सेवन हमें कम से कम ही करना चाहिए। चाय एक धीमा व मीठा जहर है। इससे मिले घातक तत्वों के कारण हमें झूठी ताजगी का एहसास होता है। वास्तव में चाय मनुष्य के शरीर व मन को बुरी तरह से प्रभावित करता है, इसलिए हमें चाय का सेवन कम से कम या फिर ना के बराबर ही करना चाहिए।
कुछ लोग होते हैं जिन्हें चाय की बहुत आदत होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह चाय छोड़ दो, पर हो सके उतनी चाय पीना कम कर दे, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और हेल्दी रहें।